तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको DPI कैसे यूज करना है और आप DPI यूज करने का फायदा क्या, नुकसान क्या है और सच में आपका वन टाइम लगता है DPI यूज करने से या फिर ऐसे ही आपको फद्दू कट रहे DPI से और आपके फोन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो सब कुछ जानने वाले अपने इस वीडियो में। तो लेट्स गेट द वीडियो को स्टार्ट। तो भाई लोग, जब भी आप DPI यूज करोगे तो आप ऑटोमेटिक हैकर ही बन जाओगे, आपको ऑटोमेटिक वन टाइम लगेगा और आपका हर बार वन टाइम लगने वाला और आपका हेडशॉट तो भाई पूरा लाल जाने वाला और गाइस आप वन टैप के किंग बनने वाले। वो कैसे गाइस, देखो DPI से होता है आपका सेंसिटिविटी इंक्रीज। तो आप समझ गए हो, अपन को वन टैप के लिए सिर्फ सेंसिटिविटी तो चाहिए ना, क्योंकि इससे आपका उंगली का स्पीड अपन को हाई चाहिए, वो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि आपको DPI यूज करोगे, फिर आपको आराम से ऊपर क्लिक करना और आपको ऑटोमेटिक वन टैप लगने वाला है। तो इसलिए अपन करते हैं DPI को यूज। तो भाई लोग, आप जितना भी सुना, अगर आप सोच रहे हो आपका पूरा रेड रेड जाएगा ऐसे होगा वैसे होगा DPI यूज करने से, तो भाई लोग आप गलत सोच रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सच्चाई तो ये कि भाई लोग, आपका DPI हेल्प करेगा सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने में, आपका हेडशॉट रेट को भी इंक्रीज कर देगा, बट इतना भी नहीं जितना आप सोचते हो। हैकर थोड़ी बनाएगा आपका, सिर्फ हेल्प करेगा। मतलब पहले आपका 4 में से 2 बंदे को वन टैप लगता था, तो अब आपका 4 में से 3 बंदे को वन टैप लगने लग जाएगा। तो आप समझ गए भाई लोगों, DPI क्या काम करता है। DPI आपका हेडशॉट में आपका हेल्प करेगा, अब थोड़ा बहुत हेल्प करेगा आपको, हैकर थोड़ी बनाएगा भाई लोगों। तो अब बात करते हैं भाई लोगों, आपको DPI कैसे यूज करना है, और अगर आप चाहो तो DPI को एक बार यूज करके ट्राई भी कर सकते हो, फिर आपके माइंड में DPI वर्ड ऑटोमेटिक हट जाएगा कि आपको यूज करना है कि नहीं करना। तो भाई लोगों, बात करते हैं आपको DPI कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले आपको अपने अबाउट फोन में आना होगा, यहाँ पर आपको इधर 4 या 5 बार आपको क्लिक करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ जाए कि आपको इतनी बार और क्लिक करना है, फिर आपको ऑटोमेटिक डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा अपने फोन में, फिर आपको डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग में आना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा मिनिमम विड्थ, ये आपका DPI है। तो इस DPI का आपको एक स्क्रीनशॉट लेना होगा ताकि आपको याद रहे कि आपका पहले इतना DPI था। फिर आपको कितना DPI इंक्रीज करना वो मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज्यादा DPI को यूज करते हो हद से ज्यादा, तो आपका जो एम है वो पूरा रेड भी नहीं होगा भाई, रेड पर लॉक नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक आपका एक फ्री हो जाएगा। फिर 360 डिग्री रोटेशन ट्रैक भी आपका थोड़ा इम्पोसिबल हो जाएगा। तो बात करते हैं भाई लोगों, आपको कितना DPI इंक्रीज करना, बट इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और भाई लोगों कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना। तो भाई लोगों, मैं आपको सबसे यूनिक तरीका बताने वाला हूँ DPI का, ठीक है। तो भाई को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फोन 2 या 3 GB रैम का या फिर 4 GB रैम का या फिर 5 GB रैम का या फिर 6 GB रैम का या फिर 1000 GB रैम का हो, रुक रुको गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से भाई लोगों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखे फिर जाके यूज करना, ठीक है। कहीं नहीं जाने वाला आपका DPI। 3 GB रैम वाले फोन को DPI हराम करेगा, किसका फोन लैग हो सकता है किसका नहीं हो सकता वो भी वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक ही प्रोसेस करना, आपको जितना भी आपका DPI दिखा उसमें +50 आपको सबसे पहले करना होगा, फिर आपको जाके ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्राई करना होगा, आपको लगे कि हाँ थोड़ा बहुत बड़ा है, फिर आप और आपका फोन लेग भी नहीं कर रहा, सही से चल रहा, हीट नहीं हो रहा, आपने 1-2 घंटे खेला, तो फिर आप 50 दोबारा इंक्रीज कर दो, आपको टोटल 100 DPI पहले से इंक्रीज हो चुका। फिर अगर आप देखो कि आपका फोन लेग हो रहा कि नहीं हो रहा, सेंसिटिविटी हाई हुआ कि नहीं हुआ, फोन हीट हो रहा, तो भाई रहने दो उसी टाइम, उसको पहले जितना कर दो, और डेवलपर ऑप्शन को कैसे ऑफ करना वो भी वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं जिनका 100 DPI यूज किया, अभी तक फोन लेग नहीं हुआ, सही चल रहा है, उन्होंने 2 या 3 दिन खेल भी लिया, तो भाई लोगों फिर से 50 और इंक्रीज कर दो। अब आपको हद से ज्यादा लगे तो वहीं पर 100 रहने दो, और अगर आपको हद से ज्यादा न लगे भाई ठीक ठीक अभी थोड़ा बहुत बढ़ा है तो भाई और बढ़ा के देख लो, ऐसे आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करोगे तो आपको बेस्ट DPI पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रोसेस करते हो तो भाई लोगों आपको खुद को ऑटोमेटिक DPI सही पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे मैं आपको बताऊँ वो करोगे ना तो आपका कुछ नुकसान होगा, क्योंकि सबके फोन के अंदर रैम अलग अलग होता है, प्रोसेसर अलग अलग होता है, कुछ आराम से रोटेशन ट्रैक करते हैं, कुछ लोग फास्ट रोटेशन ट्रैक करते हैं, तो सबको अलग अलग DPI चाहिएगा। तो यहाँ पर एक मिसिंग फाइल को वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद ही देखो, अगर आप DPI को यूज करते हो तो आपके फोन का लेग होने का कारण बढ़ सकता है, हीट होने का कारण बढ़ सकता है। तो जिनका फोन 2 या 3 GB रैम वाला है भाई लोगों, आप DPI को ऑन मत करो, ठीक है, क्योंकि आपका फोन कुछ दिन बाद लैग करने लग जाएगा और आपका गेम भी लैग करेगा, फिर आपका गेम भी क्रैश होने लग जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर आप ऐसी वीडियो जरूर देखते DPI का, मेरे को पता है इस चक्कर में आप जरूर पढ़ते हो, और कुछ लोग DPI को ऑन कर देते हैं भाई, बाद में फोन लैग होता है। तो मैंने सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दिया आपको, DPI कैसे यूज करना कैसे नहीं करना, और जिनका प्रोसेसर थोड़ा बहुत हाई है भाई लोग वो DPI को यूज करे, उनको बता दूं कि आप थोड़ा बहुत हाई करो, ज्यादा इंक्रीज मत करो, एकदम पूरा हाई मत करना, पहले 50 इंक्रीज करना, ठीक है। अगर आप पूरा हाई करोगे तो भाई लोग आपका सारा से छोटा तो रेडी हो जाएगा, फिर आप फोन कंट्रोल में भी नहीं होगा। तो जब भी आपका फोन लैग करे उसी टाइम आपको DPI को बंद करना, बंद कैसे करना वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती करने वाले, तो भाई
सबसे पहले आपको सेटिंग में जाकर डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग में जाकर आपका जो डीपीआई है उसको पहले जितना करना पड़ेगा, इसलिए तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने को कहा था। और भाई लोगों याद रखो कि आपका डीपीआई पहले कितना था वो आप कमेंट कर दो ताकि आपको अपना कमेंट मिल जाए और आपका डीपीआई वापस मिल जाए पहले कितना था। फिर अगर आपका रेडमी शाओमी एमआई का फोन हो तो भाई लोगों आपको सबसे पहले सिक्योरिटी में आना होगा और यहाँ पर आपको ऑप्टोमाइज करना होगा, फिर आपको ऑटोमेटिक डेवलपर ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। और अगर और कंपनी का फोन हो तो भाई लोगों पहले यूट्यूब पे वीडियो देख लेना हाउ टू ऑफ डेवलपर ऑप्शन। और भाई लोगों आज नहीं तो कल आप डीपीआई के चक्कर में जरूर पड़ते, तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो भाई लोगों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा।